Hey guys, welcome back to another reaction video of the Reaction Girl channel. So guys, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. So guys, जैसे कि thumbnail से आप सभी को पता चला, Sharry मान जी का song है यार शडया. और इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा comments आए, बहुत ज़्यादा comments आए. एक इंसान ने बहुत ज़्यादा comments करे, उनका नाम भी Sharry है. So sorry Sharry, मैंने इस song के ऊपर video बहुत late डाला है. आपने बहुत ज़्यादा wait करा इस video के लिए. I'm really very sorry. मैं थोड़ा सा ठीक नहीं थी पिछले दिनों, इसीलिए कोई भी वीडियो नहीं आई. अभी एक दो दिन से वीडियो आई हैं, एक दो दिन नहीं, एक दिन पहले ही आई है शायद. सो सॉरी इसके लिए बहुत ज़्यादा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है. यार शडया सॉन्ग Sharry मान जी का सॉन्ग है, बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग होने वाला है. यार शडया से यूँ लगता है कि ये थोड़ा सा सैड सॉन्ग है, क्योंकि यार छोड़ना ऐसा सा कुछ लग रहा है. बहुत अच्छा सा सॉन्ग होगा तभी इतनी ज़्यादा कमेंट्स आए मेरे को. देखते हैं कि कैसा है ये सॉन्ग, क्या रहते हैं हमारे रिएक्शंस इस सॉन्ग को लेकर, फिर हम बातचीत करते हैं कि क्या था. उससे पहले इसके जो लिरिक्स हैं वो Sharry मान जी के नहीं हैं, वो रव हंजरा जी के हैं और स्नैपी का म्यूज़िक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Sharry. Yes, sir. Meet Mr. Kurt von Keller, a dear friend from Frankfurt. He's my guest. He will be staying with us for a few days. Kurt, this is Sharry, my personal assistant. You won't find a more trustworthy or hard-working man, and he will guide you and assist you until you go back home to Germany. It's a pleasure to meet you, sir. Looking forward to make your stay comfortable. Okay, Sharry, if you can bring the car around now, I need you to take Mr. Keller back to his apartment. Right, sir. Oh, Sharry. Kurt is a very rich man. Okay. He will be very handy to have on board. So you must look after him. Okay. Anything he wants. And I mean anything. Sure, sir. Don't worry, Kurt. ਡਾਲਰਾਂ ਲਈ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਡਾਲਰਾਂ ਲਈ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰਦੀ ਐ ਕਦਰਾਂ ਗਵਾਉਂਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਸਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਹੀਲ ਜਿੰਮੀ ਚੂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਲਈ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ. ਡਾਲਰਾਂ ਲਈ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ. ਉਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਗਈ ਸਾਂਝ, ਤੂੰ ਪਾ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਗਈ ਸਾਂਝ, ਤੂੰ ਪਾ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪਊ ਗਲੀ ਦਿਆਂ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ. ਚੌਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਸੌ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਲਈ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਗਵਾਉਂਦੀ. ਡਾਲਰਾਂ ਲਈ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ.
बंदे नी रैब हंजरा दिल साफ ने पावे लीड़े साडे गंदे नी बहुते बल शल नहीं हो आउंदे सिंपल सोबर बंदे नी रैब हंजरा दिल साफ ने पावे लीड़े साडे गंदे नी नवियां ना लाके यारियां रंबे वालियां नू फिर दी पलाउंदी पौंडा लई यार छड़ेया 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 हाँ जी दोस्तों किवें लग्या तुहानूं मेरा नवां गाना यार छड़ेया जे वधिया लग्या तां लाइक कॉमेंट करके जरूर दस्यो ते E3 UK दे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कर लो लव यू ऑल सो गाइज वीडियो इज ओवर और जो ये सॉन्ग था रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा सैड सॉन्ग था वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने लव को छोड़ देते हैं पैसों के लिए पैसों के लिए छोड़ना मतलब ये होता है ना कि वो किसी मतलब वो लव था ही नहीं जिसने जिसको छोड़ा पैसों के लिए सिर्फ वो उसके लिए लव था ही नहीं कभी भी लव नहीं था जिसने अपने लव को पैसों के लिए छोड़ा उसने कभी भी उससे प्यार नहीं किया था अगर प्यार किया होता तो वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं छोड़ती छोड़ना होता अपने पेरेंट्स की बात मानकर छोड़ती या कुछ और बहुत बड़ी मजबूरी थी उसकी तब छोड़ती तो वो बात अलग थी तब वो बात चलती फिर सॉन्ग नहीं बनता शायद फिर शायद सॉन्ग नहीं बनता लेकिन उन्होंने डॉलर्स के लिए पॉइंट्स के लिए अपने यार को छोड़ दिया और एक बुड्ढे के साथ शादी कर ली हे भगवान सही है लास्ट में उन्होंने फ़ोटो फाड़ दिया ना बहुत अच्छा लगा मेरे को और जो गाना था सच्चे में यार हार्ट टचिंग सॉन्ग था मेरे को बीच में रोने का मन कर रहा था लेकिन मैंने अपना रोना बहुत मुश्किल से कंट्रोल करा है क्योंकि सॉन्ग में ना मेरे को रोना का मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि शैरी मान की जो लाइफ थी वो अच्छी होगी उसकी वजह से क्योंकि उसको पता चला कि जिससे उसने प्यार किया वो धोखेबाज है सो गाना बहुत अमेजिंग था यार क्या है ना कि सॉन्ग होता है ना उसके अंदर ना मैं एक तरीके से घुस जाती हूँ एक तरीके से ना इमेजिनरी जो दुनिया होती है ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड मेरे माइंड में सेटअप हो जाता है और ऐसा लगता है ना कि वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है हालांकि ऐसा नहीं होता लेकिन होता है मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है बस मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ होता है सो ना उसी हिसाब से मैं कुछ बोल देती हूँ फालतू उल्टा सीधा तो प्लीज़ माइंड मत करना और जो गाना है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है शर्मान जी बहुत ही अच्छे सॉन्ग गाते हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं और रव जी ने लिरिक्स बहुत अमेजिंग दिए हैं डॉलरान ले यार छड़ेया और हूँ इज्जत गवादी फिर दी है घूमती है वधिया लगता होएगा उन्हें ताई तक घूमती है सो गाना बहुत अच्छा था वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए कमेंट करके बताएं आपके क्या विचार है इस टॉपिक को लेकर और भी क्या आप कहना चाहेंगे जो आपको कहना है वो कहिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना बेल आइकन प्रेस कर देना लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए सो सोशल पेजेस पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय